आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर के बारे में बात करने वाले हैं, जो नंबर लाइन में मौजूद है और सारे नंबर नंबर लाइन में होते हैं अगर वो रियल नंबर है। और हम एक रियल नंबर की बात करने वाले हैं। तो नंबर मैथ में और फिजिक्स में इतना ज़्यादा यूज होता है, कुछ पूछने को नहीं, ये नंबर काफ़ी यूज होता है। तो वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा इस नंबर का क्या क्या यूज है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो देखते रहिए। वो नंबर है 1, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा 1। ये जो 1 है मैथ में और फिजिक्स में काफी यूज होता है। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इस नंबर का यूज मैथ में। मैथ में ये नंबर कहाँ कहाँ यूज होता है, मैथ में ये नंबर काफी सवालों को हल करने में यूज होता है। कौन कौन से सवालों को हल करने में यूज होता है? तो पहले पहला टाइप, हो सकते और भी जगह यूज होता हो, लेकिन हम रिसर्च किए हैं तो 2-3 जगह हमें मिला है, और भी बहुत जगह हो सकती हैं। पहला ये है टाइम एंड वर्क। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए कोई आदमी ए है, वो किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। आदमी ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, तो इसमें हम उसके अगर कोई आदमी तो 12 दिन में कर लेता है किसी काम को, ए है काम को, इसमें नहीं इसमें लगा देते, काम को 12 दिन में कर लेता है, ठीक, इतने यहां हो गए दिन। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हम एक ही नंबर का यूज करते हैं, वो है 1। तो हम यहाँ पर ये चीज निकालते हैं कि वो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 × काम 1 डे। देखिए यहाँ पर 1 का यूज हुआ है। तो 1 का यूज यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन प्रोसीड करने के लिए हमेशा 1 का यूज करते हैं। अगर 1 का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन प्रोसीड ही ना हो। 1 का यूज करने से क्वेश्चन काफी आसान तरीके से हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा पार्ट ऑफर, क्योंकि हम मैथ में किसी भी काम को 1 से दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा पूरा काम हो गया तो हम उसको 1 से दर्शाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ काम हमें करना है उसका आधा काम हो गया तो 1/2। तो इसका मतलब है 2 काम में से मैंने 1 काम कर लिया। अगर यहाँ लिखा है 3/5, तो हमारे पास कहने का मतलब ये है 5 काम होंगे, 5 काम में 3 काम हो गए। अगर 5 में 5ों काम हो जाएंगे तो 5/5, तो अल्टीमेट हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो 1 फिजिक्स में सॉरी मैथ में ये बताता है कि पूरा पूरा काम हो गया है, पूरे काम को ही 1 कहते हैं मैथ में। और 1 को हम 100 के भी रूप में लिख सकते हैं मैथ में। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था 1, 1 दिन काम काम निकाल ले पार्ट ऑफ वर्क, कहने का मतलब पार्ट ऑफ वर्क, इसका मतलब ये है कि 12 काम हो गए, 12 काम में 1 काम हुआ है, तो 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर 1 का यूज हुआ है। दूसरी जगह देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहीं क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें कहा कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये मिल टाइल करवाने के लिए लग रहे हैं। तो पहले हम इसमें इसमें भी देखिए 1 का यूज है, कोई क्षेत्रफल है इतना, इस क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल में अगर हम टाइल लगवाएंगे तो हमें कितने 20 रुपये चुकाने पड़ेंगे, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, तो इतने रुपए हमें चुकाने पड़ेंगे। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि 1 हमेशा 1 का यूज करते हैं। ये नहीं देंगे 2 मीटर, 2 मीटर देंगे तो हम उसको भी 1 में ही यूज कर लेंगे, इसीलिए 1 मीटर का देते हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, मान लिया आ गया 40 मीटर स्क्वायर, तो 40 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना रुपया देना है, तो पता चल जाएगा। देखिए अब तीसरा यूज ये हो गया कि मान लीजिए हमें दिया है कि 15 चॉकलेट, 15 चॉकलेट का जो मूल्य है, 15 चॉकलेट का मूल्य है 900 रुपया। अगर इसमें पूछा है कि बताओ 18 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड है, एकक में
एकक विधि, इसमें भी हमेशा एक, देखिए नाम में ही है एकक विधि, पूरा एक चैप्टर ही है एकक विधि, इसका इतना यूज है मैथ में, इसका इतना ज्यादा यूज है, पूरा एक चैप्टर ही बना दिया। और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, METHED या OD कुछ होता है। ठीक, तो 15 चॉकलेट का मूल्य कितना है, 900 रुपया है, 900 रुपीज। अब इसमें कह कह रहा है कि 18 चॉकलेट का मूल्य निकालो, तो 18 चॉकलेट का मूल्य हम पहले ऐसे नहीं निकाल सकते, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक चॉकलेट कितने की मिलेगी। तो हम यहाँ पर ये तो पता ही, 15 × 1 चॉकलेट ये लिखा है, तो ये इसके चॉकलेट के गुणे में है, जब ये इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये इक्वेशन सॉल्व किया हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 900/15 कितने रुपए, तो 15 × 6 = 90, कितना आ गया, 60 रुपया। तो देखिए एक चॉकलेट का मूल्य कितना है, 60 रुपए, तो यहाँ पर एक का आया। हमेशा हम इसमें एक चीज की निकालेंगे मूल्य, सॉरी एक चीज का मूल्य निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा और भी चीजों का मूल्य। अब 18 चॉकलेट का मूल्य है, जब एक चॉकलेट का मूल्य इतना है तो 18 चॉकलेट का मूल्य ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए हमेशा गुणा करते हैं, 16 × 18, 0 का 0 लगा दे, 18 6 कितना होता है, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। तो देखिए 1080 रुपया, तो 18 चॉकलेट कितने रुपए की मिलेंगी, 1080, और ये 900 की मिल रही है 15 चॉकलेट। तो इसमें भी देखिए एक का यूज हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने इसे लाइक करिए, अगर इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम इसके बाद बताएंगे साइंस में इसका क्या यूज है, साइंस में यूज। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो की अपलोडिंग मिलते ही आपको पता चल जाए वीडियो अपलोड हो गया है। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अधिक जानकारी के लिए, धन्यवाद।